नमस्कार, मुँ डॉक्टर सुशांत कुमार दास, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर रु। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे रे कहिबा को चाहे जे ब्रेन ट्यूमर एक ट्यूमर जोटा ब्रेन रे हुए कॉमन अर्थ रे। ट्यूमर एभली एक रोग जहाँपाई समस्त भय रहे, किंतु जदि तार विषय जानिबा को चाहिबा, ट्यूमर होची गोटे अनियंत्रित जीवकोशर वर्धन, सेटा जेकोसी जगह हो पाए, किंतु ब्रेन रे बेस डर लगे ये से बहुत कम समय दिए। बाहर गोटे स्कल अच्छे हाड़र बाहर गोटे आवृत अच्छे, तारी भितरे गोटे सॉफ्ट टिश्यू ब्रेन भितर जब किसी एक्स्ट्रा मांस बढ़ी जाए सेटा जल्दी जल्दी सिम्टम दिए। एवं ब्रेन जेहेतु रिजेनरेशन कैपेसिटी तार कम अच्छी, से कौन सी कारण से जो प्रेशर इफेक्टा बहुत समय नर्व सेल को डैमेज करे एवं सिम्टम तो बढ़ी चले, रिकवरी रे भी प्रॉब्लम हुए। से आर्ली सिम्टम को देखी डायग्नोसिस करिबा एवं तार उपयुक्त ट्रीटमेंट करिबार आवश्यकता अछि। जदि कारण बोली किछि खोजिबा को चाहिबा, ब्रेन ट्यूमर एमती जहाँ एस्टाब्लीश्ड कॉज अछि सेटा होछि गोटे जेनेटिक कॉज, बा कोनोसी म्यूटेशन होछि, से केमिकल म्यूटेशन होइ पारे, वायरल म्यूटेशन होइ पारे, बा गोटे रेडिएशन जो जोठी जेभली सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, बा जो जगह आम मानकर बालिस्टिक मिसाइल रो एक्टिविटी होची, से सब जगह रेडिएशन जो भी गोटे कॉज हो पारे, जोटा ब्रेन ट्यूमर पे कॉज हिसाब से गणा जाए। एबेर सिचुएशन में आम मोबाइल यूज करूँ, मोबाइल रेडिएशन रो इफेक्ट केते आसीबो जेहेतु आम जानिना समय पीरियड कम अच्छी, से आटलिस्ट आमको ताकि भी सतर्क होगा पड़ो। जमी आम राति शोला बेले आखि मुंड पाखे रखा, बहुत समय धरी कान पाखे लगे कि मोबाइल कार्यक्रम व्यस्त रहा, यह सब को आमको अवॉइड करवाक हम, सो दैट प्रिभेन्टिव वे हिसाब से आम जदि से गोटे कॉज हुए से आम बंची जापर। जदि तार सिम्टम कथा भाविबा केमिति आमे जानिबा गोटे ब्रेन ट्यूमर होइछि कि न होइछि, जेहेतु ब्रेन रो पाखापाखी आखि अछि, कान अछि एवं नाक अछि, ए सब रिलेटेड किछि किछि सिम्टम भी ब्रेन ट्यूमर पे हुए। किंतु क्लासिकल ब्रेन ट्यूमर सिम्टम जेमिति ब्रेन भितरे इंट्राक्रैनियल प्रेशर जोटा आमे कहू कि कोनोसी मांस बढ़िले ता भितरे गोटे प्रेशर बढ़ी जाए ब्रेन भितरे, जो नर्व सेल को सेटा इनवॉल्व कराए तार सिम्टम से भलिया हुए। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़िबार जो कॉमन सिम्टम होची गोटे हेडेक हेबा, बांति बांति लागिबा, बा ब्लरिंग ऑफ विजन आखि देखिबार किछ असुविधा हबो, ए सब सिम्टम जो थाए आमे भाबि परिबा निश्चित भाबरे किछि हेइ पारे, तो ताकु इन्वेस्टिगेशन करिबा दरकार। ता सहित एसोसिएटेड जो जो एरिया गुडा को इनवॉल्व करे से सब एरिया रे भी सिम्टम हेइ पारे। जमी धरतु आखिर ऊपर पोर्सन जोटा ब्रेन फ्रंटल रीजन, से समय जब किसी ट्यूमर है पर्सनालिटी चेंज हो पाए, जोटा ब्रेन हिंड ब्रेन अच्छी जोटा आम मान बालांसींग सेन्टर अच्छी, से किसी ट्यूमर है चलबल असुविधा होगा, निजर बालांसींग हाथ गोड़ ठीक रे बालांस नकपर, ये सब सिम्टम हो पाए। एवं जदि कौनसी नर्व जमी आखिर नर्व, कानर नर्व जोड़ा से जगह जब ट्यूमर आसूसी, कान को न सुंबा, मुह टेढ़ा हो, कौन पेन होगा मुहरे, ये सब जिनस भी ट्यूमर जो हो पाए। तेना सिम्टमटा ताऊपर जेहेतु डिपेंड करम मान को ब्रेन रिलेटेड पाखापाखी जदि किसी सिम्टम हो आखि कम देखा जा कान शुभुना, एवं ये क्रोनिक हेडेक् रोचे बांति आसूसी, यह सबसे आमको सस्पिशन कराए, किंतु यहाँ निश्चित भाव में ट्यूमर होगा से भली भाविबा एवं से भयभीत होवार कौन आवश्यकता ना, बहुत कॉज थे जो थर ये सिम्टम आसीपे। जदि आम इन्वेस्टिगेशन को जीवा को चाहिबा, कॉमन इन्वेस्टिगेशन जहाँ अवेलेबल गोटे सीटी स्कैन निश्चित भाव में दरकार हुए, पेरिफेरी लेवल रे सीटी स्कैन अवेलेबल अच्छी, किंतु जदि तार आइडियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भाविबा गोटे एमआरआई ब्रेन विथ कंट्रास्ट जो थे किसी इंजेक्शन दे एक्जाक्टली ट्यूमर नेचर जानवा संभव हो पाए एमआरआई ब्रेन विथ कंट्रास्ट जो भी अवेलेबल ना, आटलिस्ट सीटी कंट्रास्ट करा जाए। ता सहित एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन करा पड़े जदि अन्य कौन सी जगह इनवॉल्वमेंट अच्छी, क्लासिकल हार्मोनल स्टडी कौन सी डिस्टर्बेंस होती से ट्यूमर जो
से सब इन्वेस्टिगेशन करा जाए एवं पेट स्कैन रो बेले बेले आवश्यकता पड़े जदि ब्रेन रो अन्य को पार्ट रो इन्वॉल्व होइछि पेटर हो बा चेस्ट रो हो बेले बेले मेटास्टेटिक ट्यूमर थाए से सब को इन्वेस्टिगेशन करबा पड़े। जदि आमे वर्तमान ट्रीटमेंट पर्पस को आसीबा सर्वप्रथम ट्रीटमेंट चॉइस होची सर्जिकल कारण कौन सी ट्यूमर हेले सर्जरी रे आमे मैक्सिमम पोर्शन बाहर कर दे परिबा एवं अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चेंज हो। ये कहवा चाहे जे ट्यूमर जनरली बिनाइन आउ कैंसरस यही भाव डिविजन करा जाए। बिनाइन ट्यूमर जोटा जोटा ग्रोथ होती किंतु तार गोटे मालिग्नेंट पोटेंशियल नहीं बा जल्दी जल्दी ग्रो करिवार कैपेसिटी नहीं एवं सेटा को जदि एकाथरे बाहर कर दिया जाए से भल होवार संभावना बहुत अधिक किंतु बेले बेले एभली किसी जगार थाए ब्रेन रोण इंपोर्टाट जगार थाए जो जगार संपूर्ण भाव बाहर करवा संभव नुहे से सब कंडीशन में बारंबार फॉलोअप करवाक पड़े दरकार है एक्स्ट्रा रेडिएशन देवाक पड़े यही भाव में तार ट्रीटमेंट करा जाए। किंतु मालिग्नेंट ट्यूमर व कैंसरस ट्यूमर रे सर्जरी परे परे रेडिएशन रेडियोथेरापी जहाँ कहू आम लाइट देवाक पड़े एवं केमोथेरापी करा पड़े ये सब कर लाइफटा को आम एक्सटेंड करवाक हुए। तेणु सर्जरी पाई जो भाई इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस परे भी आउ किसी इन्वेस्टिगेशन करिवाक पड़े सर्जिकली से फिट कि नाहंती एवं तापरे आमे सर्जरी परे जो बायोप्सी करू बायोप्सी रो रिपोर्ट रो जाना पड़े जे सेटा को स्टेज रे अछि को प्रकार इन्वेशन तार केमिति अछि एवं अकॉर्डिंगली रेडिएशन थेरापी आउ केमोथेरापी दिया जाए। निश्चित भाव में ब्रेन ट्यूमर जेहेतु आडभांस टेक्नोलोजी रो गोटे सर्जरी करा जाए जो थे माइक्रोस्कोप यूज हुए एंडोस्कोप यूज हुए कुसा भाई इंस्ट्रूमेंट यूज करू अन्य जगह भाई ये जगह बेसी डिफरेंट सर्जिकली ये करा जाए जे अन्य जगह जो भाई आम संपूर्ण भाव काटिक बाहर करदे ब्रेन रे ता संभव ना ब्रेन रो गोटे गोटे पॉइंट रे सेपटे हाथ गोड़ चल असुविधा हुए कथा कही पारे नहीं असुविधा हुए से पीस मिल रे बाहर करा जाए छोट छोट काटिकी बाहर करा जाए एवं ताकू बायोप्स में पठा जाए। विभिन्न न्यू इंस्ट्रूमेंट जमी नेविगेशन सिस्टम हो कुसा हो माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप न्यूरो ड्रिल ये सब फैसिलिटी थिबा हॉस्पिटल रे तार उपयुक्त चिकित्सा हो पारे न्यूरो एनेस्थेसिया केयर न्यूरो नर्सिंग केयर न्यूरो आईसीयू केयर एवं एक्सपर्ट न्यूरो सर्जन मानकर मिलित उद्यम रिजल्ट सब बेले भलो हुए। तापरे भी चिकित्सा परे भी फिजियोथेरापी करबा को पड़े स्पेशली न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट थे से आहुरी हेल्पफुल हुए एवं से रिजल्ट बेटर हुए। आज भली पर्टिकुलर डे रे गोटे सतर्कवाणी हिसाब से कहवा चाहे जे ओल्ड एज रे जदि प्रथम थर पर कौन सिम्टम आसूची सीजर फिट्स आसला बहुत समय फिट्सटा गोटे ब्रेन ट्यूमर संकेत हिसाब से देखा जाए। ओल्ड एज रे जदि प्रथम थर पर फिट्स आसबाला आम हल्का भाव में नेबा कथा नुह जथोपयुक्त भाव में इन्वेस्टिगेशन कर तार चिकित्सा को आगे नेबाकु जीवक हुए आमको भय करिवार नहीं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आम मान बहुत इम्पोर्टेंट यही दृष्टि जे भयभीत होवार नहीं जदियो उपयुक्त चिकित्सा जो जगार अच्छी एवं उपयुक्त समय जदि आम पहुँचुचे निश्चित भाव में भल जीवन लाभ करें। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद।